So hey guys, welcome to the channel Weback, and guys, in this video I will talk about our next update and new updates in Pokemon Go. And yes, these are all updates very important for us because यहाँ पर जो updates हैं बहुत important and also यहाँ पर बहुत special हैं क्योंकि बहुत unique हैं. और personally एक ऐसी भी चीज़ है जो video के end में बताऊँगा. अब video end तक देखना, आपको बहुत से special चीज़ें पता चलेंगी, बहुत से unique updates पता चलेंगे Pokemon Go में जो आने वाले हैं दिसंबर मंथ में. और मैंने आपसे कहा था दिसंबर मंथ बहुत स्पेशल try करता है Pokemon Go हम सभी के लिए कर सके, तो वही एक छोटी सी अपडेट से पोकेमॉन गो की तरफ से जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे. सो लेट्स गो. All right, friends. First of all, तो बात आती है यहाँ पर क्या न्यू अपडेट्स हैं, ऑल्सो यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं पोकेमॉन गो के अंदर, वो जस्ट मैं आपके लिए कंफर्म करूंगा. लेकिन वीडियो के एंड में जो बात होगी जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है आप सभी के लिए हो सकती है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर बात आती है दिसंबर में रिसर्च ब्रेक थ्रू की. अब रिसर्च ब्रेक थ्रू की बात करूँ यहाँ पर, अब पिछले कुछ भी अगर प्रीवियस मंथ अगर हम लें तो इतनी स्पेशल रिसर्च नहीं मिल रही है, लेकिन इस बार की जो रिसर्च मिल रही है दिसंबर में वो है लेप्रस एंड यहाँ पर डारूमाका की. अब डारूमाका की बात करूँ तो उसका इवोल्यूशन बहुत बॉम्ब है, फायर टाइप पॉकमोन्स में वो बहुत टॉप पर आता है. एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं बात करूँ लेप्रस की, आइस टाइप पॉकमोन है, ग्रेट लीग में आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एंड ऑल्सो पर मैं बात करूं शाइनी की, तो शाइनी लेप्रस आपके लिए अवेलेबल होगा, डारुमा का शाइनी अवेलेबल नहीं होगा दिसंबर 2nd से जनवरी 2nd तक आपके लिए. अब जितने भी आप रिसर्च कंप्लीट करेंगे तो आपको यहां पर 7 डेज में जो स्पेशल पोकेमॉन मिलता है वहां पर लेप्रस एंड डारुमा का में से कोई एक पोकेमॉन आपको मिल सकता है. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है लेजेंडरी रेड्स की. अब लेजेंडरी रेड्स की बात करूं और मेगा रेड्स की बात करूं तो बहुत यूनिक होती है हम सभी के लिए, अब बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं इन चीजों के लिए. लेकिन आप सभी को बताएं, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, आपको पता होगा उसमें मैंने क्योरम के ऊपर बात करी थी और क्योरम आपके लिए आज रेड्स में आ चुका है. ऑलराइट, आप समझ गए होंगे, आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर चेक करना उसमें मैंने क्योरम कब बोला था. एंड ऑल्सो यहाँ पर मैंने उस वीडियो में आपको नेक्स्ट कम्युनिटी डे कौन सा है दिसंबर में वो भी बताया है, तो वो जाकर चेक करें वीडियो अगर आपने चेक नहीं करी. और जिसने भी चेक करी होगी उसको तो पता ही होगा कि उस वीडियो में मैंने आपको क्योरम बोला था. अब यहाँ पर फ्रेंड्स दिसंबर 2nd से जनवरी 2nd तक आपके लिए रेड्स में रहेगा क्योरम. अब क्योरम इतने लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट यहां पर 1 मंथ के लिए आपके लिए रहेगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है. क्योरम तो रहेगा आपके लिए 1 मंथ तक, लेकिन बीच बीच में कुछ इवेंट्स आते रहेंगे या फिर कहूँ तो एक छोटे छोटे वीक के लिए जो पोकेमॉन्स आते रहते हैं रेड्स में वो आते रहेंगे. अब उसमें ना और भी आइस टाइप पोकेमॉन्स हो सकते हैं जो उस वीडियो में मैंने क्लियर करे ही थे, आपने चेक नहीं करे तो चेक कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पर दिसंबर में होल मंथ या फिर कहूँ तो जनवरी 2nd तक आपको देखने को मिल जाएगा क्योरम रेड्स में. एंड ऑल्सो यहाँ पर मेगा एबोमा स्नो आपको दिख जाएगा रेड्स में, मेगा रेड्स में. और कुछ दिनों पहले मैंने आपको पता था, मैंने बोला था कि मेगा रेड्स में भी डिफरेंट पोकेमॉन आने वाला है दिसंबर मंथ में, तो आपके लिए जो आइस टाइप पोकेमॉन है या फिर कहूं तो प्रॉपर आइस पोकेमॉन है वो आपको देखने को मिल जाएगा मेगा रेड्स में. और यहां पर मैं बात करूं अब ब्लास्टोइस की, तो वो यहां से अब चला जाएगा मेगा रेड्स से. एंड रिप्लेस कौन करेगा? मेगा एबोमा स्नो. तो आपको यहां पर जस्ट देखने को मिल जाएगा और ब्लास्टोइस यहां पर अब चला जाएगा. सो नॉर्मली आप उसकी रेड बैटल्स कर सकते हैं, अब देखना होगा वो कितना पावरफुल होता है किसी भी बैटल्स में मेगा एबोमा स्नो. एंड नेक्स्ट जो अपडेट है, अपडेट तो क्या कहूंगा, बहुत पहले मैं बता चुका था नवंबर लिमिटेड रिसर्च के बारे में कि आपके लिए निडोरन मेल निडोरन फीमेल आपको लिमिटेड रिसर्च में देखने को मिल जाएंगे. तो आपके लिए नवंबर 28 को ये स्टार्ट हो जाएगी, तो भूलना मत, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. हो सकता है मैं लाइव भी हूँ. ओहो लाइव. चलो नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेट है वो है स्पॉटलाइट आवर. अब जो ये स्पेशल बात है या फिर कहूँ तो इंपॉर्टेंट बात थी मेरी तरफ से वो अभी अब स्टार्ट होने वाली आप सभी के लिए, वो है फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पॉटलाइट आवर में आपको जस्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर क्या होंगे. फर्स्ट जो स्पॉटलाइट आवर है वो है सब आप सभी के लिए दिसंबर 1 को, और जितने भी स्पॉटलाइट आवर होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स ट्यूजडे को. अब ट्यूजडे को 6 PM से 7 PM लोकल टाइम तक आपके लिए रहते हैं. किसी भी कंट्री में अगर आप जाएंगे, अगर उस कंट्री में 6 to 7 PM हो रहे होंगे तो वहां पर आपको स्पॉटलाइट आवर देखने को मिल जाएगा एवरी ट्यूजडे एवरी मंथ. ऑलराइट, यहां पर दिसंबर 1st को आपको दिख जाएगा सील का स्पॉटलाइट आवर. अब सील की बात करूं तो उस दिन आपको 2x XP भी मिल जाएगी, तो आप जस्ट उसका यूज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट जो स्पॉटलाइट आवर है वो स्वाइन अप का. अब स्वाइन अप की बात करूं पर्सनली मुझे बहुत अच्छी दिखती है, एंड शाइनी फॉर्म तो और बॉम्ब दिखती है. आप बताना आपको कैसी लगती है. ऑलराइट, यहां पर ट्यूजडे दिसंबर 8 को 6 to 7 PM आपको अगेन देखने को मिल जाएगी. 2x स्टारडस्ट होगी इस बार, तो दिसंबर 8 को आप जस्ट इसको एनकाउंटर कर सकते हैं. एंड बात करूं मैं इसके इवोल्यूशन की तो बहुत ज्यादा यूजफुल है. आइस पोकेमॉन आइस टाइप पोकेमॉन्स में बहुत टॉप लिस्ट पर आता है, तो अगर आप इसे कैच कर रहे हैं तो आप जस्ट इसे इवॉल्व भी करें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा.
ऑलराइट, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्पॉटलाइट आवर है वो एडवेंचर हेट पिका चुकी। अब मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, पोकेमोन गो ने ज्यादा इस पर बातें क्लियर नहीं करी हैं, लेकिन आपको ये दिसंबर 15 को 6 to 7 PM लोकल टाइम देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर 2x कैच कैंडी भी मिलेगी इस दिन। अब मैं बात करूँ इस दिन की, तो यहाँ पर आपको एडवेंचर हेट पिका चू देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी एक कन्फर्म फोटो होती है तो पोकेमोन गो ने ये अभी तक कुछ रिलीज नहीं करी है, तो मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, और जो शो कर रहा हूँ वो आप सही मत समझना, कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। ऑलराइट, जो नेक्स्ट स्पॉटलाइट आवर है वो है स्नोरेंट का, आपको देखने को मिल जाएगा दिसंबर 22 को। एंड यहां पर आपको 2x ट्रांसफर कैंडी भी मिल जाएगी, जब अगर आप पोकेमोन्स को ट्रांसफर करते हैं तो आपको 2x कैंडी भी मिल जाएगी, जो हमेशा होता है। ऑलराइट, यहां पर जो नेक्स्ट स्पॉटलाइट आवर है वो है स्नोवर का। अब स्नोवर के स्पॉटलाइट आवर की बात करूं तो वो है दिसंबर 29 को 6 to 7 PM अगेन, एंड 2x इवोल्यूशन एक्सपी मिलेगी आपको इस दिन। अब जस्ट यहां पर एक बात आपने नोटिस करी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा मैंने यहां पर आपके लिए 5 स्पॉटलाइट आवर्स के नाम लिए हैं, यानी कि दिसंबर मंथ में आपको 5 स्पॉटलाइट आवर देखने को मिल जाएंगे। क्यों देखने को मिल जाएंगे वो तो आपको पता ही होगा, और जस्ट डेट ही ऐसी जो यहां पर हमें 5 स्पॉटलाइट आवर देखने को मिल रहे हैं, और इतने स्पेशल स्पॉटलाइट आवर्स हैं यहां पर सील का, स्वाइन अप का, एडवेंचर हेड पिकाचू का, स्नोरेंट का, स्नोवर का, जिनके इवोल्यूशन बहुत बॉम्ब है, जिनका यूज कर सकते हैं जीबीएल बैटल्स में। एंड ऑल्सो यहां पर ये जितने भी पोकेमोन से सब आइस टाइप है, पोकेमोन गो भी बताना चाहती है सर्दियां आ चुकी हैं, और नियंटिक ने जो इतने अच्छे स्पॉटलाइट आवर्स दिए हैं, तो नियंटिक लव यू। एंड और भी ऐसे ही अपडेट्स आने वाले हैं पोकेमोन गो के अंदर जो बहुत स्पेशल हो सकते हैं, सो बैक टू बैक वीडियो आती रहेंगी आप सभी के लिए। जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी इवेंट्स होंगे, ये कैसे लगे वो जरूर बताना, और एक और वीडियो स्पेशल आने वाली आप सभी के लिए, जो मैंने आपसे कहा भी था वीडियो की स्टार्टिंग में, आपके लिए स्पॉटलाइट आवर के रिलेटेड एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो आप उसका वेट करना, बहुत अच्छी होगी आपके लिए, बहुत हेल्पफुल भी होगी। नवंबर लिमिटेड रिसर्च लाइव, यस लाइव आऊंगा, एंड ऑल्सो यहाँ पर और भी अपडेट्स हैं जो आपको इन फ्यूचर में मैं जरूर बता दूंगा। कल वाली वीडियो चेक करना, आपको पता चलेगा यहाँ पर मैंने क्या बात करी थी। आप सभी से मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, तो मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से बाय।